सब्सक्राइब करो, वो जो लाल वाला बटन है उसके साथ सूर्य नमस्कार करो या फिर अनुलोम विलोम, मुझे नहीं पता, बस क्लिक हो जाना चाहिए। हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय न्यू ब्लॉग। तो आज हम लोग को जाना है वीरो वाटर डैम, जो कि हमारे गांव में ही है। तो मैं अभी निकल चुका हूँ अपने दोस्तों के साथ। इधर बैठे हैं नागेश भैया, उधर कमलेश भैया, हाय कर दीजिए आप लोग। तो अभी हम लोगों ने बाइक यहाँ पे खड़ी कर दी है, क्योंकि यहाँ से आगे जाने का रास्ता बाइक का नहीं है, तो अभी हमें पैदल ही जाना पड़ेगा। तो चलिए चलते हैं फिर। चलो। काफी खतरनाक रास्ता अगर जी बोल सकते हैं तो है। अगर जी एक बार पैर अगर जी फिसला तो फिर आप पानी में गिर जाएंगे या साइड में गिर सकते हैं। हम लोग को चलते चलते लगभग आधा घंटा हो चुका है, तभी अभी यहाँ से लगभग आधा घंटा को और आगे रास्ता है। तो अभी चलते चलते सब कोई थक चुके थे, इसलिए थोड़ा बहुत रेस्ट कर ले रहे हैं। यहाँ से फिर निकलते हैं कुछ देर। हम लोग रेस्ट करने के बाद फिर से निकल चुके हैं। आप लोग देख सकते हैं कि इधर साइड में कितना जंगल वंगल है, और बस इसमें से ऐसे ही दो ही रास्ते हैं जिसपे कि चल के जाना होता है। कि ट्रेन के पटरी साइड से है और साइड साइड में इधर खाई भी है बहुत ज्यादा। अगर जब पैर अगर जब थोड़ा सा भी डिसबैलेंस हुआ तो आप नीचे गिर सकते हैं। वाओ, वेरी डेंजरस। अभी हम लोग को चलते चलते कुछ यहाँ पे बहुत बेस्ट व्यू मिला है देखने के लिए, जो कि आप लोग को देख सकते हैं। यहाँ से नीचे बहुत खाई ही खाई है, और यहाँ के बगल से एक और नदी जाती है, और यहाँ के पास में ही एक यहाँ से पहाड़ है। एक घंटे सफर तय करने के बाद अपने वायरो वाटर डैम के पास पहुँच गए हैं, और आपको नज़ारा दिखाते हैं वायरो वाटर डैम का। फाइनली हम लोग बहुत देर के बाद आखिर पहुँच ही चुके हैं। यहाँ से स्टार्ट होती है सीढ़ी, और यहाँ आप लोग देख सकते हैं हमारे गाँव का नहर का पानी यहीं से निकलती है, जो पाइप है। अब चलते हैं ऊपर। तो यहाँ से ऊपर आने के बाद कुछ ऐसा सीन दिखता है। यहाँ आप लोग देख सकते हैं कि बहुत बड़े बड़े पेड़ इस डैम में डूबे हुए हैं। अभी यहाँ गर्मी का दिन है, इसलिए इस डैम में पानी बहुत अभी कुछ कम हो चुका है, नहीं तो यहाँ से पूरा भरा भरा रहता है। और आप लोग देख सकते हैं कि डैम बहुत आगे तक है, आगे जाने का तो भी रास्ता नहीं है कि मैं जा पाऊँ। और इधर साइड में पहाड़ है दोनों साइड। तभी चलते, तो अभी हम लोग को यहाँ पास से उतरना पड़ेगा जहाँ का कोई रास्ता नहीं है। कमलेश भी यहाँ से उतर गया। नागेश भी नीचे चल जा रहा। अब बचा मैं। लोग यहाँ से नीचे उतर चुके हैं, और यहाँ के बाद आने के बाद यहाँ पे एक एनी कट बना है, जो कि यहाँ से जो पानी एक्स्ट्रा हो जाएगा तो वो इधर से ओवरफ्लो करके चला जाएगा नीचे। यहाँ पास अभी इन लोग सेल्फी वेल्फी ले रहे हैं, और आप लोग देख सकते हैं कि ये जो डैम है दोनों पहाड़ के बीच में है और काफी लंबा है। यही नहीं, अभी और सुनिए। से तकरीबन हमारे गांव और पास के गांव का खेती लमसम 400 से 500 हेक्टेयर की सिंचाई की जाती है, और ये आप जैसे देख सकते हैं कि ये दोनों पहाड़ के बीच में बनाई गई है। अरे कहना क्या चाहते हो? और यहाँ पे दोपहर में शाम को जंगली जानवर अपने प्यास बुझाने के लिए पानी पीने भी आते हैं। हम मालूम है तेरे बाप को, मत सिखा। चल, कब बना था एग्जैक्टली तो मेरे को पता नहीं है, बट इसके बारे में मेरे भैया लोग को पता होगा। पूछता हूँ इन लोग से कि ये डैम कब बना था। भैया, ये डैम कब बना था पता है क्या आप लोग को? ये डैम 2006 में बना था। तो भैया लोग कह रहे हैं कि ये डैम 2006 में बना था, तब तो हम लोग बहुत छोटे छोटे होंगे। ये सब क्या देखना पड़ रहा है? अच्छा है मैं अंधा हूँ। काफी हम लोग को टाइम हो चुका है, तब हम लोग यहाँ से फाइनली अब निकलने वाले हैं। अब फिर से यहाँ ये लोग चढ़ने लगे हैं, क्योंकि यहाँ चढ़ने के लिए कोई सीढ़ी वीढ़ी नहीं है।
तो अभी प्रीतम को इन लोग पकड़ के चढ़ा रहे हैं कि वो नीचे मत गिर जाए, अगर जो नीचे गिरता है तो यहाँ से सीधे खाई में चला जाएगा। वेरी डेंजरस। तो ना अगेश भैया चढ़ने वाले हैं। चढ़िएगा कि आपसे नहीं चढ़ा जा रहा है। चल चुके हैं वापस, मस्ती करते जा रहे हैं वापस। रास्ते में एक हमें कुछ छोटा सा झरना टाइप देखने को मिल गया, तो मैं अभी यही देखने के लिए रुका था। तो अभी यहाँ से मैं निकलता हूँ। अभी हम लोग बाइक के पास पहुँच चुके हैं और अभी यहाँ से अब हम लोग निकलते हैं। तो इस वाले बाइक में जाएंगे मैं और नागेश, और इसमें जा रहे हैं प्रीतम और कमलेश भैया। तो चलिए अब निकलते हैं फिर यहाँ से। दो तीन किलोमीटर आगे है, अभी हम लोग जंगल के बीच में हैं और इस जंगल के रास्ते बहुत उटपटांग हैं, जैसा कि आप लोग देख सकते हैं। और एक यहाँ हम लोग एक और यहाँ से छोटा सा नदी मिल चुका है। अभी हम लोग जंगल से बाहर निकल चुके हैं और आ चुके हैं बस्ती में। तो आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में। अगर जब ब्लॉग अच्छी लगी होगी तो लाइक करें, सब्सक्राइब कर दें हमारे चैनल को कि आने वाली वीडियो जल्द से जल्द आप तक पहुंच सके। इसी के साथ आज की मजदूरी यहीं खत्म करते हैं। अगर तुम्हें वीडियो पसंद आई तो लाइक मारो यार, मुझे नहीं पता मुझे 2 मिलियन लाइक्स चाहिए।